मैं हूं असनैन और आप देख रहे हैं डीके प्लानर। आज की वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विटी। आज बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो एलएलबी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैक्सिमम मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने वो तमाम टॉपिक शामिल किए हैं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिनकी बेस पे प्रीवियस पेपर आते थे, पेपर्स की बेस पे हमने सेलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करोगे और इनको स्टडी करोगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करें और नए आने वाले दोस्तों और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए तो शुरू करते हैं वीडियो। लॉ ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इनके थ्री पार्ट्स में सबसे पार्ट फर्स्ट है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नंबर वन पे है डिले डिफीट्स इक्विटी, नंबर टू पे है ओबी जूस इबी जूस इबी जूस रेमेडीज, नंबर थ्री हुज़ सेक इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, नंबर फोर इक्विटी एंड इक्वालिटी, पार्ट टू है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का जो क्वेश्चन नंबर वन है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर टू है इंजक्शन इट्स काइंड एंड कोर्ट मे बी रिफ्यूज टू ग्रांट इंजेक्शन, नंबर थ्री है एक्सप्लेन इक्विटेबल रेमेडीज। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर फोर पे है डिक्लेरेशन इट्स प्रोसीजर एंड पर्पस, पार्ट थ्री है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रस्ट इट्स काइंड आल्सो डिस्कस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लॉफुल और अनलॉफुल ट्रस्ट, नंबर टू पे है ट्रस्ट एंड ट्रस्टी मे बी डिस्चार्ज विद एंड विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, नंबर थ्री पे है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ट्रस्टी आर रेमेडीज अवेलेबल फॉर बेनिफिशरी इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम ट्रस्टी एंड अदर साइड। इन तमाम क्वेश्चंस को आपने थ्रू आउट स्टडी करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। पेपर्स के लिए गुड लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।